राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर के कारण ठंड का कहर जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहां का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ताजा घटना गुरुवार की है, जहां सुबह के समय नेशनल हाईवे 58 पर आधा दर्जन से भी ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, अन्य कई व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मृतक के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपका नाम? शुभम शर्मा है जी। शुभम क्या सर, यहाँ पे जो है मतलब एक्सीडेंट होगी, 5-7 गाड़ियां हैं, एक साथ धुंध के कारण गाड़ियां लगी। हमारा ड्राइवर था मनीष नाम लड़का, सहारनपुर का। हाँ, उसके साथ में एक जिसका माल है व्यापारी, जंडियाला से मटर लेके आ रही थी, वो भी मतलब उसके भी चोट है सिर में, 12-13 टांके लगे। हाँ जी, मनीष की डेथ होगी सर। कितने लोग? लगभग 5-7 लोग घायल हैं सर, एडमिट हैं विराजपुर मेडिकल कॉलेज में। सर, मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 10 दर्जन से भी ज़्यादा वाहन आपस में भिड़े, क्या है पूरा मामला सर? हाँ, देखा होगा आप लोगों ने कि सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है और सामने से ट्रक जा रहा था, पीछे से छोटी गाड़ी आ रही थी, वो दूरी को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से आगे की गाड़ी ने ब्रेक लिया, पीछे की गाड़ी टक्कर लग गई, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। एक मौत भी हुई सर? हाँ, वो जो पीछे वाली गाड़ी थी उसका है, उसके ड्राइवर की डेथ हुई है। कितने वाहन आपस में भिड़े थे? नहीं, वाहन तो ये दो थे, एक पीछे और बता रहे हैं, वो आ रहा था तो इमरजेंसी ब्रेक की वजह से 3 वाहन की टक्कर। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी? हाँ, धुंध एक समस्या है, हर साल ठंड के सीजन में कोहरा होता है, दिक्कत होती है। परिवहन विभाग से मेरी बात हुई है और यद्यप शासन से पहले से ही निर्देश हैं कि गाड़ियों में स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में रिफ्लेक्टर होना चाहिए, जो कि चीनी मिलों को मीटिंग करके सबको बहुत व्यापक निर्देश दिए गए थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे उस समय, लेकिन उसका पालन वास्तव में अभी कायदे से हो नहीं रहा। आज ये मैंने RTO से बात किया है और अभियान चला करके पहला टारगेट हमारा ये है कि चीनी मिलों में जो भी वाहन जा रहे हैं हर हाल में उनमें रिफ्लेक्टर लगाए जाएँ। Thanks.